कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो होगा सेलिब्रेट डाइट प्लान एपिसोड नंबर 9। एंड प्लान के हिसाब से मैं विराट कोहली की डाइट प्लान पे वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट विराट कोहली की डाइट प्लान के लिए आए थे, जो वेगन डाइट प्लान है उसके लिए। एंड इंटरनेट पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, कहीं पे भी वेगन डाइट प्लान नहीं है विराट कोहली की, एंड कहीं पे उसकी डाइट प्लान है भी तो दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन, जो पहले की डाइट प्लान थी वो है। सो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, कहीं मुझे डाइट प्लान नहीं मिली। तो मेरा मेन जो सोर्स है वो इंटरनेट ही है, जहाँ पे मुझे डाइट प्लान मिलती है। सो फ्यूचर में अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो होगा अक्षय कुमार की डाइट प्लान, जिसमें होने वाली है टोटल 4 मील। तो इसको मैं आज फॉलो करने वाला हूँ। सो मिलता हूँ आप सबसे मील नंबर 1 पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डाइट प्लान मैंने कहाँ से फॉलो की है वो वेबसाइट भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो गाइज वेलकम बैक एंड इट्स टाइम फॉर मील नंबर 1। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, अक्षय कुमार इज़ अ फर्म बिलीवर इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो 4:30-5 बजे तक उठ जाते हैं एंड उनका ब्रेकफास्ट 6:30-7 बजे तक हो जाता है। एंड अभी 8:30 बज रहे हैं तो ये मील थोड़ी लेट हो गई। मैंने ट्राई किया सुबह जल्दी उठने की, बट ये वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। सो अभी 8:30 बज रहे हैं एंड सॉरी फॉर दैट। एंड आज सिर्फ 4 ही मील होने वाले हैं, सो आई थिंक आज के पूरे दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मील नंबर 1 क्या होगी अक्षय कुमार की डाइट प्लान के हिसाब से। सो मील नंबर 1 इज़ 2 पराठा। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 पराठा मैंने लिया है, ये आलू का पराठा है एंड इसके साथ थोड़ा केचप है, मतलब मज़ा आना चाहिए खाने। सो दिस इज़ आलू का पराठा, केचप एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये है अक्षय कुमार की मील नंबर 1। वो बहुत ही एक फ्लेक्सिबल डाइट को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, सेम फूड वो डेली खाते हैं, वो फ्लेक्सिबल डाइट को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने बताया था लास्ट खाना होता है। ऐसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ, मैं भी पूरा जो जो कुछ खाना है, चावल, दही, वेजिटेरियन, सो सारा, मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद पान, ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक ऐसी चीज़ है जो वो डेली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो इतने फिट रहते हैं, वो मैं आगे के आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो आई विल फिनिश दिस एंड मिलता हूँ आप सबसे मील नंबर 2 पे। बहुत दिन के बाद मैंने आलू का पराठा खाया, यानी मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया था। सो बहुत ही डिलीशियस है ये। वेलकम बैक एंड इट्स टाइम फॉर मील नंबर 2। एंड अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। सो अभी मैं लूँगा अपनी मील नंबर 2। एंड मैंने सोचा था कि मील नंबर 1 के बाद मैं जाऊँगा जिम एंड उसके बाद आने के बाद मैं लूँगा मील नंबर 2, पर थोड़ा काम आ गया था। सो मैं अभी लूँगा मील नंबर 2 एंड इसके बाद जाऊँगा जिम। सो डाइट प्लान के हिसाब से मील नंबर 2 क्या होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ फ्रूट, कोई भी फ्रूट था डाइट प्लान में, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैंगो ऐड करूँगा, बट मैंगो से बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, सो मतलब सूट नहीं कर रहा है मैंगो, एंड मैंगो का सीज़न चल रहा था तो मज़ा आता था, मतलब मैंगो लेता तो। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे है 2 बनानास। एज यू कैन सी 2 बनाना यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन करते हुए। एंड यहाँ पे है नट्स, एज यू कैन सी कैशूज एंड आलमंड्स यहाँ पे है। सो दिस इज़ मील नंबर 2। एंड अक्षय कुमार की डाइट प्लान में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, मतलब मैं डेली बेसिस पे ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार ज़्यादा हैवी वेट्स को लिफ्ट नहीं करते। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में बताया कि वो ज़्यादा हैवी वेट्स को लिफ्ट नहीं करते, उनकी जनरली वर्कआउट बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है। आई डू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसके अंदर कोर की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है और जिसके अंदर मैं वेट्स नहीं उठाता हूँ। सो वो ज़्यादा प्रोटीन को नहीं, वेल बैलेंस्ड डाइट को ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स इक्वल अमाउंट में होता है। सो आई विल फिनिश दिस एंड मिलता हूँ आप सबसे मील नंबर 3 पे। वेलकम बैक एंड इट्स टाइम फॉर मील नंबर 3। बस अभी भी जिम से वापस आया हूँ मैं एंड टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं। सो अभी मैं लूँगा अपनी मील नंबर 3। एंड अक्षय कुमार अपनी डाइट में ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड सोर्सेज को ही ऐड करते हैं, कभी कभी वो चिकन, फिश या एग्स को ऐड करते हैं, पर ज़्यादातर वो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज को ही प्रेफर करते हैं। आई डोंट लाइक मच ऑफ नॉन वेज, बट समटाइम्स आई ईट फिश एंड एग्स। तो डाइट प्लान के हिसाब से मेरी मील नंबर 3 क्या होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है भिंडी, कोई भी भाजी थी डाइट प्लान में, सो यहाँ पे घर में भिंडी बनी थी तो मैंने ले लिया। यहाँ पे है चिकन, एज यू कैन सी रफली 150 ग्राम्स ऑफ चिकन है, इसको मैंने लाइटली मसाले में बनाया, बॉयल चिकन की इसमें ज़रूरत नहीं थी तो मैंने थोड़ा मसाले में इसको कुक कर लिया। यहाँ पे है दाल, एज यू कैन सी यहाँ पे दाल है, एंड यहाँ पे रफली 200 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस मैंने लिया है, इसके साथ है 1 कटोरी दही। सो दिस विल बी माई मील नंबर 3। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी इसको फिनिश करता हूँ एंड मिलता हूँ आप सबसे मील नंबर 4 पे।
वेलकम बैक। अभी 6:30 बज रहे हैं एंड टाइम हो गया है मेरे डिनर का, जो कि होगी मेरी लास्ट मील ऑफ द डे। एंड आपने सही सुना, अक्षय कुमार अपनी लास्ट मील मतलब अपना डिनर 6:30 बजे कंप्लीट कर लेते हैं। लेट नाइट के अंदर जो आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ पहुंचाते हो, उससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। बिकॉज रात को जब आप 10 बजे 11 बजे खाना खा के सो जाते हो, तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं आपके पेट को उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका सारा शरीर सो रहा होता है सिवाय आपके पेट के। एंड देन जब आप सुबह उठ जाते हो, फिर आप वापस नाश्ता करते हो। सो बेसिकली 24 आवर्स योर स्टमक इज़ वर्किंग। एंड हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो पेट से निकलती है। जितने भी डिजीज़ प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स अल्सर, वेदर इट्स कैंसर और एनीथिंग। सो मैं एक लेमैन के हिसाब से समझा रहा हूँ कि इंसान को, हम इंसानों को 6:30 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ द डाइट आई बिलीव। सो अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान, मेरी लास्ट मील क्या होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज सॉटेड वेजिटेबल्स। इसमें कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, कैबेज यूज़ किया है एंड हल्के मसाले मैंने इसको टॉस किया है। सो दिस इज सॉटेड वेजिटेबल्स। एंड यहाँ पे है 1 कटोरी क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेबल सूप। सो इसमें भी कैरेट, कॉलीफ्लावर एंड बीन्स है। इसको मैंने मतलब बॉईल किया एंड देन उसमें थोड़े बहुत मसाले डाले, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सो दिस विल बी माई फाइनल मील ऑफ द डे। इस मील की क्वांटिटी बहुत ही कम थी एंड अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है एंड मैं 11:30-12 बजे तक सोता हूँ, तो मुझे पक्का इसके बाद भूख लगने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारी आज की फुल डे डाइट प्लान कंप्लीट हो जाती है एंड बहुतों को लगेगा कि 6:30 बजे के बाद भूख लगे तो क्या कर सकते हैं। सो इसका भी जवाब है, अगर आपको भूख लगे तो मैं या एग वाइट खा लेता हूँ या क्या कहते हैं गाजर, मूली, ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। अगर भूख लगे तो कोशिश करता हूँ 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँ, वो अन उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, तो ये वेबसाइट से मैंने पूरी डाइट प्लान को फॉलो की। अगर आपको और कोई रिसर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसी और कोई टॉपिक या वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।